किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जिला प्रधान कुलदीप सिंह की हुई गिरफ्तारी के बाद पिछले 3 दिन से पुलिस स्टेशन टांडा के बाहर सड़क जाम कर लगाए गए धरने को आज टांडा पुलिस ने खुलवा दिया। पुलिस ने धरनाकारियों के गिरफ्तार किसान आगू कुलदीप सिंह को अदालत से डिस्चार्ज करवा धरने में बैठे समर्थकों के हवाले कर दिया। होशियारपुर की टांडा पुलिस ने 307 और कई संगीन धाराओं के तहत कुलदीप सिंह और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसके चलते 3 दिन पहले किसान कुलदीप सिंह को टांडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद रोष में आए किसानों ने मजदूर संघ कमेटी के आगुओं ने बड़ी गिनती में इकट्ठे होकर पुलिस स्टेशन के बाहर ट्रैफिक जाम कर पिछले 3 दिन से लगातार मांग की जा रही थी कि धरना तब तक नहीं खुलेगा जब तक उनके किसानों को रिहा नहीं किया जाता, जिसके चलते पिछले 3 दिन से चल रहे धरने में बीती रात SP रविंदर सिंह और DSP दलजीत सिंह और पुलिस अधिकारियों की ओर से धरनाकारियों के साथ मीटिंग चली, जिसके बाद धरनाकारियों की मांग पूरी करते हुए कुलदीप सिंह को डिस्चार्ज करवाकर धरनाकारियों के हवाले कर दिया गया और जाम खुलवा दिया गया। मैं कुलदीप सिंह, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब जिला प्रधान होशियारपुर। यह झूठा परचा इधर भी काफ़ी समय तो इतने विवाद चल रहा है कि वो सियासतदाना की शायद उत्ते जो वो गल किसी बन्ने लग नहीं रही। पहले DSP साहब गुरप्रीत सिंह जी अही उन्होंने को भी आए कि मसला जरा सुलझे हुए कोई इतने कोई किसी का जानी माली नुकसान ना हो जाए, पर सियासतदान की शायद उत्ते उन्होंने कोई फैसला लिया नहीं। उन्होंने फिर नवे ड्यूटी साहब आए आ, फिर पता लग गया भी ये परचा भी दर्ज हो गया, साढ़े से भी हो गया वा, उधरों भी परचा दर्ज होया। फिर मैं इन्होंने जाके उतों अरैसट किया वा, जबकि मेरी 2 दिन पहले ड्यूटी साहब ना गल भी हुई आ कि अही थोड़े को आ रहे हैं, झोना ला रहे हैं, 1-2 दिन से अं को आ जाना वा, आ गया वो बैठ के गलबात करते हैं। पर पता नहीं की है इन्होंने जाके उत्थे मैं फड़ के लिया, तो उत्थे मैनू सगों पिंड की सत्त चपेड़ा चुपड़ा भी मारियाँ, तो फिर लिया इतने थाने लिया, इतने आके बंद कर दिता। किसी जथेबंदी आई है ना अपना धरना चलाया वा, रात DSP दफ्तर तो मैं इधर दिन ने क्ड के रात गढ़दी वाले थाने रखे, फिर ये मैडिकल वगैरह करा के मुके मैं जेल भेज आए। सर किन्ने परचे वरी किया परचे पहले तो एडे को क्रिमिनल परचा हटे तो होर को है ही नहीं सी। ये दे सिर्फ अं उ उन्हों का जरा अपने पुलिस पार्टी गई आ, अं उन्होंने फैसले वास्ते गए हैं भी उ गलबात ना भी चलो इन्हों का फैसला करा दिए, पर उ लिफ्ट भी हो गई आ, अगले दिन का टाइम रखा गया भी तुम थाने आना वा, तो जदों वो लिफ्ट हो गई आ तो पुलिस पार्टी उतों आ गई है, अं भी उतों आने लगे, अं तो चाह पीन लगे, तो इधरों निकू जरा वा रड़े पिंड वाला वो 60-70 गुंडे लेके गया वा, तो सड़क तो उतरद सारी उत्थे इन्नी फायरिंग की उन्होंने, तो मेरे खिलाफ अगर 3-4 पिस्टल होने ठा इन्नी जी फायरिंग हुई आ, तो घर के बेच ही जाके दाखिल हो गए, तो 2 बंदे साढ़े गोलियां लगियां, एक दे पैर में 2 जगह गोली लगी आ, एक दी लत दे विच गोली लगी आ, तो एक बाबा जी उन्होंने जाके किसी ने गन्ने टुकड़ा टोका मारिया इतने बांह के उत्ते, उन्हों की बांह से सट लगी। लगता कि कितना कितने पुलिस जरा धक्का किया तो? हाँ धक्का आ गए, धक्का तो होया ही आ, ना धक्के वाली कोई गल नहीं। उस तो बाद इन्होंने जो पब्लिक ने जरा है साथ दिया, जो हम पब्लिक आई है धरना लाया वो फिर हूँ मेरे जमानत करा के लाए आ, अगर ना मैं जैसे बंद हों जमानत हो डिस्चार्ज हो डिस्चार्ज कोई केस नहीं। हाँ जी, तो जे शायद जथेबंदी ना होंगी तो मैंने तो कहने छड़ना ही ना, मेरी उत्तर जमानत होनी छेती, तो होर भी नजायज बड़े पे आ। एक होर मुंडा वो अपने नानक रिंता वह पिस्टल लिखाया वो गरीब घर का वा, इस करके जरा वा बहुत व्डा ये जुल्म आ। और इस इलाके ये मैं सीधा ही कहना जी MLA की शायद हो रहा वा जो कोई इतने हो रहा, तो अं यहाँ जबरदस्त मुकाबला सबर के नाल किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वो करूगी। होशियारपुर से जॉनी गेरा की रिपोर्ट। इस चैनल पर चल रहे मुद्दों पर अपने विचार देने के लिए कमेंट करें और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।